अभिनंदन बनवा। अच्छा, तो एग्ज़ाम कैसा हुआ? एग्ज़ाम वैसे पेपर कंपेरेटिवली इजी था, प्रीवियस ईयर से इजी था, बहुत ही इजी था, पर लेंदी था थोड़ा। मतलब अगर आप पढ़ के नहीं आए हो ना तो वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। मतलब आइदर आप जानते जो यूज्ड टू है, जो प्रैक्टिस करते हैं, यूज्ड टू है, उनके लिए हाँ आसान रहेगा। ओके, तो प्रीवियस ईयर से क्या माने, थोड़ा इजी तुम बोल रहे हो, तो जो प्रीवियस ईयर जो सॉल्व कर चुका है उसके लिए क्या इजी रहेगा उसके लिए? हाँ। अच्छा, तो फिजिक्स में कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक बोल पाओगे, जो फिजिक्स में कौन सा टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आया है? एक्चुअली तीनों सेक्शन में ही वो इवनली डिवाइड किया हुआ है, तीनों में इवनली डिवाइड किया हुआ है। तो फिजिक्स में कोई ऐसा कुछ क्वेश्चन याद है तुमको? हाँ, जैसे एक था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में। हाँ, क्वेश्चन फिजिक्स में एक था, जैसे स्फीयर है वो वी नॉट वेलोसिटी से आगे जा रहा है, तो एक इंक्लाइंड प्लेन दिया हुआ है, उसका एंगल थीटा दिया हुआ है, और स्फीयर का रेडियस और मास दिया हुआ है, तो वो कितना डिस्टेंस तक इंक्लाइंड प्लेन में ट्रेवल कर पाएगा। ओके, मैथ में कोई क्वेश्चन? मैथ में जैसे क्रैमर्स रूल से एक ईजी क्वेश्चन था, तीनों इक्वेशन दिया हुआ है, अभी बोलना पड़ेगा उनका क्या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है, एकदम बेसिक। तुम्हारे पेपर इजी था? इजी था। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके।